चरखी दादरी में निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बबीता फोगाट को टिकट मिलने के चलते नाराजगी थी। समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया। तो बता दें कि बबीता फोगाट को जिस तरह से दादरी से टिकट दिया गया है, उसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के अंदर से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, और अब सोमवीर सांगवान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बबीता फोगाट को जो टिकट दिया गया है वो उसे नाराज थे, और अब इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि समर्थकों जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव वो लड़ें और अपनी जीत का दावा करते हुए सोमवीर सांगवान नजर आए। तो बता दें कि 21 अक्टूबर को चुनाव है, 24 को नतीजे आएंगे, और उससे पहले तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जजपा के अंदर ले जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों के साथ काम कर रहे थे, भाई सतपाल सांगवान को टिकट दे दी बाहरी कैंडिडेट, कांग्रेस के अंदर ले भाई नरेंद्र को टिकट दे दी, और भारतीय जनता पार्टी को ले बेटे बबीता को टिकट दे दी, तो कार्यकर्ताओं में भरा रोष, तमाम कार्यकर्ताओं की किसी भी पार्टी अनदेखी करी, उसी का परिणाम है कि जनता के अंदर काफ़ी रोष है। किसी पार्टी से हमारा कोई समर्थन नहीं, हमारा तो जनता का समर्थन है, जनता ने समर्थन दे दिया और जनता के समर्थन पे इलेक्शन लड़ रहा है।